show that total mechanical energy of a freely falling body, अगर आप drop कर दें एक body को against gravity, तो total energy हमेशा क्या रहेगी? Constant रहेगी. तो imagine कर लें ये ground है और ये velocity मैंने यहाँ से इसे drop किया. तो जब मैंने इसको drop किया तो यहाँ पर sum of potential and kinetic बोलो कितनी है. Potential क्या है? mgh. Kinetic क्या है? Zero. तो total energy कितनी है? mgh. तो A point पर energy mgh है. मान लो आपने ड्रॉप कर दिया, अभी किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अभी v है और ये डिस्टेंस x है, तो ग्राउंड से दूरी कितनी है? h माइनस x है. तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या होगी? एम जी इंटू एच माइनस एक्स, ये रहा. और काइनेटिक यहां पर क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगा. अब तुम अगर v पूछो क्या होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू जी एक्स. वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी एक्स. तुम इस वी स्क्वायर को यहां पर पुट करोगे टू जी एक्स, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल, इसे ओपन कर लो, यहां से mgx mgx कैंसिल, तो फिर से टोटल एनर्जी कितनी बच गई? mgh. तो b पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी mgh ही आएगी. फिर c पॉइंट ले लो, c पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो. और काइनेटिक क्या होगी? अब यहां पूरी जर्नी में v डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एच, ये लो. तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, पोटेंशियल तो जीरो है, तो v डैश स्क्वायर की जगह कितना? 2gh, 2 से 2 कैंसिल, फिर से क्या आ गया? mgh. तो प्रूव हो गया a b c पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम क्या है? कांस्टेंट. क्लियर है? आपके थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल में ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको किसी बुक में क्वेश्चन दिखेगा, ये रहा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मार्क करने को आता है, और ये मेन्स और नीट में भी कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा. हुआ क्वेश्चन है कि आप अगर किसी भी बॉडी को ग्रेविटी के साथ नीचे गिरते हो तो ग्राफ प्लॉट करना है, मींस बताना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे रिलेटेड है. देखो टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम ही रहेगी, ये तो चेंज होती नहीं. टोटल इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बात ही खत्म हो गई. और जब आपकी हाइट एच है, एच है, तो एच हाइट पर एनर्जी मैक्सिमम कौन सी है? पोटेंशियल. देख रहे हो पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक क्या है यहां पर? जीरो है. और जब आप ग्राउंड पे आ जाते हो, हाइट जीरो हो जाती है, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीरो. और काइनेटिक क्या हो जाती है? मैक्सिमम. और किसी भी पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम टोटल के इक्वल ही आएगा. अगर ऑब्जेक्टिव में ग्राफ प्लॉट करने को आए तो ये ग्राफ मार्क कर देना, टोटल का, पोटेंशियल का और काइनेटिक का. क्लियर है यहां तक?